Okay, good evening everyone. We are continuing with our straight line chapter. Fine. Straight line. दो स्कूलों में आ रहा था शायद, आई होप. हाँ, एक सेंट मार्क्स में आ रहा है, एक सेंट फ्रांसिस. सेंट फ्रांसिस में भी आ रहा है. थोड़े बड़े चैप्टर होते हैं ये. पांच फॉर्म याद है सबको, एक बार फटाफट से बताएंगे. पांच फॉर्म कृष्णा ने अभी नहीं करा चैप्टर. पांच फॉर्म नहीं करोगे तब तक कैसे काम चलेगा बेटा? मैं ही मेहनत कराता रहूंगा. वेरियस फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन, पांच फॉर्म याद है? नहीं तो मैं साथ साथ बताता जाऊंगा. अच्छा, हमने कितने सवाल कर लिए थे इसके, याद है? 9.2 के पहले, अगर आपको याद हो तो. क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे, नहीं करे थे? एक बार फटाफट से देखो, ये आपको याद आ रहे होंगे, पिछली क्लास में किए थे हम लोगों ने. पांच हो गए थे, पांच हो गए तो छठे से देख लें एक बार जरा हम लोग. अर्शिया एक बार छठा क्वेश्चन पढ़ के बताएगी फटाफट से. पिछली बार आप थोड़ा फंस रहे थे यहाँ पे बेटा. हम स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं, काफी टाइम से हम उसका रिवीजन कर रहे हैं. कोई बात नहीं, जरा क्या क्या आ रहा है लिख के व्हाट्सअप कर दे जरा ग्रुप में. 1 to 8 आ रहे हैं तेरे भी स्कूल में. अच्छा कोई बात नहीं, दिल छोटा नहीं करना, लेकिन ये भी करना है बाद में तो आएगा ही आएगा. इस क्लास में 2 से 3 दिन और लगेंगे हमारे को, उसके बाद मैं सीरीज करा लूँगा. सीरीज कई जगह आ रहा है, इसके तो पहले 5 ही आ रहे हैं. फिर 11 क्लास में थोड़ी खिचड़ी पकती है बेटा, थोड़ी सी है. उसके बाद एक बार सीरीज कर लेंगे. लिमिट डेरिवेटिव के मैं बताऊंगा, लिमिट डेरिवेटिव भी कराऊंगा, क्योंकि तुम्हारे स्कूल में भी आ रहा है, SFS में भी आ रहा है लिमिट डेरिवेटिव. वैसे तो अच्छी बात है, जो बच्चे जो स्कूल लिमिट डेरिवेटिव दे रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि ये फाइनल में भी आपके आएगा और आपका पक्का हो जाएगा, क्योंकि 12. हाँ कराऊंगा 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 बेटा, आऊंगा कराऊंगा. मैं वीडियो देख रही है ना थोड़ी थोड़ी, रोजाना 1-1 घंटे हो जाएगा बेटा, हायर लेवल भी हो जाएगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं. पिछली बार अर्शिया जी काफी प्रॉब्लम फेस कर रही थी. यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है y एक्सिस को. किसको कर रहा है? y एक्सिस को, एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबोव द ओरिजन. ये देखिए ओरिजन है और y एक्सिस ये है. y एक्सिस को ऊपर काट रहा है, दो यूनिट ऊपर काट रहा है ओरिजन से. और एंगल कितना बना रहा है? ये लाइन जो है काट रही है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है मुझे. ये y एक्सिस को 2 यूनिट ऊपर काट रही है ओरिजन से, और ये कितना एंगल बना के चल रही है मेरे पास यहाँ पे? 30 डिग्री का एंगल बना रही है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस. तो मेरे पास एक फॉर्मूला था, साथ साथ में फॉर्मूला लिखते जाएंगे और हमारा काम होता चला जाएगा. हमने क्या फॉर्मूला करा था लाइन का? एक करा था y = mx + t. आपको याद हो तो लिखते जाइए. पांच फॉर्म है, पांच फॉर्म को दोबारा देखेंगे. पहली वीडियो स्ट्रेट लाइन जरूर देखेंगे, वो मैंने ऐप पे डाउनलोड कर रखी है, अपलोड कर रखी है. इस फॉर्म को बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट. क्या बोलते हैं हम लोग? स्लोप इंटरसेप्ट. तो यहाँ पे जो इंटरसेप्ट दिया होता है किसके एक्सिस के ऊपर होता है? वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट होता है. किसका होता है? वाई एक्सिस. तो एम को हम स्लोप कहते हैं और सी को इंटरसेप्ट कहते हैं हम लोग. एम को क्या कहते हैं? स्लोप ऑफ द लाइन. और सी को क्या कहते हैं? इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस. तो एम कितना दे दिया उन्होंने मुझे? एम दे दिया मुझे 10 30 डिग्री दे दिया. टेन कितना दे दिया? 30 डिग्री दे दिया. और सी कितना दे दिया उन्होंने मुझे? सी मुझे 2 दे दिया. तो अर्शिया एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ जरा. अगर एम 10 30 है तो कितना आएगा? √3. कास्ट क्या सही बोला इन्होंने? कार्तिक जी से हमारी बात नहीं हो पर ये कार्तिक शर्मा, क्या इन्होंने सही बोला है? बिल्कुल सही बोला है इन्होंने. तो 1/√3x + कितना आ जाएगा? 2 ये इक्वेशन आ जाएगी. ये एक एक नंबर के सवाल आएंगे, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ. बस इक्वेशन बनानी है. अब इसको सॉल्व तो कर ही लेंगे, इतना भी छोड़ देंगे चलेगा. लेकिन नहीं, आपका ये आंसर आ गया, खत्म हो गई आपकी. एक्स और वाई में एक इक्वेशन आ गई है. अगर MCQ होंगे तो आपको थोड़ा सा आपको छाटना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन ऐसा है. एग्जामिनर क्या करता है? इसका एलसीएम ले लेता है. यहाँ पे एलसीएम कितना लेगा? देखो y = कितना आ गया? √3. उसने एलसीएम ले लिया, कितना आ गया? तो x + 2√3 आ जाएगा. और कई बार ये मल्टीप्लाई करा लेगा तो कितना आ जाएगा? √3y = x + 2√3 आ जाएगा. चाहेगा तो क्या लिख देगा इसको? -x√3y - x + √3y - 2√3 = 0 लिख देगा. मतलब सबको 0 फॉर्म में ले आया, सबको इधर लेके आ गया. तो हमारी परंपरा है हमारे देश के अंदर में, पहले x लिखते हैं, फिर y लिखते हैं, फिर हम दूसरी टर्म लिखते हैं. ये हमारे यहाँ परंपराएं चली आ रही हैं. जैसे बचपन में आप करते थे x + y + 4 = 0, एक इक्वेशन है.
पहले एक्स लिखते हैं, पहले वाई लिखते हैं, फिर मतलब कोई कॉन्स्टेंट नंबर लिखते हैं। आई होप दिस इज क्लियर काशवी जी। काशवी जी शायद हमें नहीं सुन पा रहे हैं आज। कृष्णा जी ठीक है, बात कह रहा हूँ मैं। वेरी गुड जी, चलेंगे आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। मेयर अबेट, थोड़ा थोड़ा हम जल्दी स्पीड से काम करेंगे क्योंकि अब 11वीं क्लास में आ गए, 9वीं में नहीं है आप। 9वीं और 10वीं का इतना सा सिलेबस होता है, 11वीं 12वीं का ज़्यादा होता है, और ये तो 30% सिलेबस कटा हुआ है, तभी हाल है हमारे। हाँ ते को करना बेट, ते को फिर फिट जी नहीं करना, वो ते को जेई मेन नहीं निकालना क्या? तुम जेई वाले बच्चे हो बेटा, जेई वाले बच्चे तो भैया 18 घंटे पढ़ते हैं रोजाना। किसको? हाँ तुम्हें तो, तुम्हारे को तो बदला ले रहे हैं तुमने, कुछ सर को बोला होगा, तेरे को तुमने परेशान किया होगा स्कूल में, तुमने बोला है इसका मतलब सर को? अच्छा पूरी क्लास से ले रहे हैं। हाँ इनके स्कूल का पेपर देखा कितना बढ़िया था मैंने, इनका लॉरेंस पब्लिक स्कूल का पेपर मैथ्स का देखी हुई था, कैसा लगा? हाँ तुम्हारा स्कूल भी है क्योंकि हमारे कॉमर्स वालों का अलग बनता है, सेम आता है, इनके चक्कर में कॉमर्स वाले मिलते हैं इनके स्कूल में, और स्कूल में हाल ही है, साइंस वालों का बदला सबको सबको पे करना पड़ता है। चलिए जी छठा सवाल हो गया, सातवां देखिए, कह रहा है एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इन दो पॉइंट से होके जा रही है। आपको अर्शिया दोनों पॉइंट नजर आ रहे हैं आपको? हाँ ये दो पॉइंट से, अगर ये दो पॉइंट है, पहले पॉइंट को मान लेते हैं जैसे एक्स वन कॉमा वाई वन है, दूसरा पॉइंट कौन सा है एक्स टू कॉमा वाई टू है, तो ये टू पॉइंट फॉर्म कहलाती है। क्या कहलाती है? टू पॉइंट फॉर्म। जिन बच्चों ने पहली बार स्ट्रेट लाइन करा है वो भी कर पाएंगे, केवल उनको जानकारी होनी चाहिए टू पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है। टू पॉइंट फॉर्म के थ्रू, हाँ बताइए भाई, बोलिए बोलिए जरा एक बार, वाई माइनस वाई वन। एक्स माइनस एक्स वन ये लगेगा फॉर्मूला, तो यहाँ एक छठी क्लास का बच्चा भी लगा देगा अगर आप बताओगे तो। आप उससे क्या हो गया, एक्स वन कितना है माइनस वन है, वाई वन कितना है वन है, एक्स टू कितना है टू है, वाई टू कितना है माइनस फोर है, पुट द वैल्यू इन गेट द आंसर। करिए करिए, देखिए पहले कौन करेगा आज देखते हैं। कृष्णा जी हो जाएगा ये सवाल, ये मुश्किल लग रहा है, करिए फिर इसको। चलू मैं आगे, गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो ट्रैफिक में? चले आगे, हो गया करूँ मैं इसको एक बार पूरा बेटा, हमने स्ट्रेट लाइन करे रहे। हाँ हाँ बताइए, वन से ले दिए, इनका स्कूल अलग ही चल रहा है। अच्छा ट्वेल्थ तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव है शायद, और टेंथ कौन सा है थ्री डी, देखो टेंथ चैप्टर कौन सा है। अरे भाई देखो इनका अलग ही कहानी चल रही है, इनका गणित सेक्शन चल रहा है, वन टू लेके सिक्स है, लेकिन चार एक्सरसाइज में टाइम लगता है, दसवा बारहवा एक बच्चा और आ गया लिमिट डेरिवेटिव का। तेरा कौन सा स्कूल है? एम बी एस एम आई एस मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल। 1 2 6 हमारा हो गया, टेंथ क्वेश्चन आपका है 10th चैप्टर कॉनिक सेक्शन। ये आपको थोड़ा वीडियो पुरानी ग्रुप में ऐड कर रखा, मैंने नहीं कर रखा आपको, आपको ऐड कर रखा पुराने ग्रुप में, आपके तो 1 2 8 आ रहे हैं, पुराने ग्रुप में भी ऐड कर देता हूँ आपको मैं, उसमें आपको वीडियो मिल जाएंगी। 12th हम करेंगे करेंगे, लेकिन ये चैप्टर आ रहा है दिल छोटा नहीं करना, आप पिछली क्लास में छुट्टी पे थे। अच्छा टग ऑफ वॉर, चलिए जी कितने स्कूल है डीपीएस में, बड़े सारे कंपटीशन है इस बार 17 तारीख को, 17 को है ना बेटा अर्शिया, कब है?
को, हाँ पर 17 को तो वो है, ओ सैटरडे है, सैटरडे जाओगे फिर आप लोग? अच्छा अभी मैं बताऊंगा, बताऊंगा अभी कितना आएगा बेटा। यहाँ ये पॉइंट दे दिया हमारे को, ये अगले सवाल से आप ज्वाइन करेंगे कितना आएगा बताओ। वाई माइनस वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस फोर माइनस वन, टू प्लस वन, और एक्स माइनस एक्स प्लस, ये कितना आ जाएगा? वाई माइनस वन इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू एक्स प्लस वन। कोई बात नहीं बेटा, मैं ही गलती कर सकता हूँ क्या? आप ही गलती कर, हाँ बिल्कुल, ले जाके सुंदर बनाएंगे इसको। वैसे इतना भी छोड़ दोगे तो कोई गुनाह नहीं है, आपकी टीचर गुनाह मारेगी तो आप इसको पूरा कर दीजिए। मैंने हाँ ब्रैकेट भी खोलिए फिर, तो पूरा नौटंकी करके दिखाओ बेटा टीचर को। इसको इधर ले आओ, माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो उसको ऐसे ले। अच्छा ये प्लस का हो जाएगा जी। अब तो कुछ आप क्यों होगा माइनस में बेटा, ये माइनस का थ्री है, माइनस का फाइव इधर जाएगा तो प्लस। ओके काशवी जी आप सुन पा रहे हैं क्या हमें? काशवी जी तक हमारी बात नहीं जा पा रही है आज। टेम्परेचर बहुत बढ़ गया था, ठंडा होने लगा, नहीं लग रहा ठंडा देखो। कॉपी कर लिया बेटा, समझ में आया वाला सवाल आपको? तो हमने एक लाइन का इक्वेशन निकाला, अगले पार्ट पे समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं अब, सॉरी 8 पे आते हैं, पढ़ना जरा एक बार। अर्शिया जी हमें मीडियन की इक्वेशन निकालनी है, पहले तो हमें मीडियन पता होना चाहिए क्या होता है, उसे भी चर्चा करेंगे। देखिए तो जैसे सर ने कहा और सर की बात को हमने आगे माना, सॉरी मैम की बात को माना, ये हमारा ट्रायंगल है। और ट्रायंगल क्या है हमारे पास, ये देखें जरा, एक ट्रायंगल है नज़र आ रहा होगा सबको, पी क्यू और आर। पी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, कहाँ है पी? 2,1 है। और क्यू के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -2,3। और आर के कितने हैं, 4,5। इनको क्या चाहिए बताइए, इनको चाहिए इक्वेशन चाहिए किसकी, मीडियन की चाहिए, थ्रू वर्टेक्स आर। वर्टेक्स आर, आर कौन सा वर्टेक्स है, आर, इसके थ्रू एक इक्वेशन चाहिए मीडियन की। ये मीडियन ये बनेगी, नज़र आ रहे हैं मीडियन, ये कहलाती है मीडियन, यानी कि ये यहाँ से आर वर्टेक्स के थ्रू मीडियन की इक्वेशन चाहिए। तो मुझे ये दो पॉइंट पता होने चाहिए, तो आर पॉइंट तो मुझे पता है, ये मैंने क्या मान लिया, मान लीजिए पॉइंट पी क्यू आर, ये मेरा एस पॉइंट मान लिया मैंने, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ये मीडियन के कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा? अगर ये मीडियन है तो इस पॉइंट के कोई कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला बता सकता है कि मैं एस के कोऑर्डिनेट कैसे निकालूं? यस वेरी गुड, यानी कि एस क्या होगा, एस इन दोनों पॉइंट का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, एस मिड पॉइंट होगा। तो देखो करने को तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं करा देता हूँ फिर भी, एस मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे हम लोग, मिड पॉइंट फॉर्मूला मालूम है आपको, कौन बताएगा? कार्तिक शर्मा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। कार्तिक मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता था बता? अब हाँ 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 बता बता, मिड पॉइंट फॉर्मूला। हाँ, आगे हाँ, क्या कृष्णा जी ये सही बता रहे हैं कि आपके दोस्त आपके मित्र आपके सखा? वेरी गुड, बहुत ब्यूटीफुल बताया कृष्णा जी ने, क्लैपिंग इनके लिए, कि एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू ये हमें फॉर्मूला बता रहे हैं हमारे यहाँ हार्दिक जी, और वाई वन प्लस वाई टू बाई टू होता है मेरे भाई, याद आ गया कृष्णा भाई? वो कार्तिक जी, कार्तिक जी आप सुन पा रहे हैं हमें? ये फॉर्मूला कृष्णा जी वाले से सहमत हो आप? नहीं, एक्स वन ये हो गया फॉर्मूला, तो क्या पॉइंट हो जाएंगे? आई आओ बताइए, एस के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे मेरे बताओ, टू और माइनस टू को प्लस करो और आधा करो, कितना आ गया, जीरो ही आ गया फिर। और थ्री प्लस वन फोर, फोर का आधा कितना हो गया, टू,
तो 2 पॉइंट आ गए हमारे पास। अगर आपके पास 2 पॉइंट आ जाए तो आप इक्वेशन ही निकाल सकते हैं क्या? अभी अभी तो निकाल लिया, क्या फॉर्मूला होता है 2 पॉइंट वाली का? वाई माइनस वाई वन इजिकल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन, ये फॉर्मूला लगा दो। और ये 2 पॉइंट है आपका, एक तो 0 और 2 है और एक 4 और 5 है। कैसे निकालेंगे? ये एक्स वन है तो ये वाई वन है, ये एक्स टू है तो ये वाई टू है। कितना हो जाएगा बताइए, यही निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा? वाई माइनस टू इज इक्वल टू कितना? 5 माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 0 और एक्स माइनस जीरो। इसको सॉल्व कर लेना, और क्या करना है, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। क्या हो जाएगा बेटा ये अर्शिया? ये मिड पॉइंट निकाला, समझ में आ गया मिड पॉइंट कैसे आया है? ये इसलिए निकाला ना क्योंकि मुझे इस मीडियन की इक्वेशन चाहिए। सवाल कह रहा था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन टू द वर्टेक्स आर, वर्टेक्स आर से होकर जाने वाली मीडियन का इक्वेशन निकाल दो। मीडियन क्या होता है, यानी कि यहाँ से आप पहले पता लगा, पहले आर्क लगाते थे याद है आपको, 8वीं 9वीं क्लास में कब होता था, फिर यहाँ से लगाते थे यहाँ, ये मीडियन आ जाएगी हमारे पास। ये मीडियन जो लाइन होती है वो सामने वाली लाइन को 2 बराबर हिस्सों में क्या कर देती है, बांट देती है, डिवाइड कर देती है। मुझे फिर इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट पता लग जाएंगे मुझे, तो मैं ये 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता लग गए तो मैं इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकता हूँ। और ये 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे पता लग गए और मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, समझ में आ गया? यहाँ पे 2 सवाल और ही बन सकते थे आपसे। एग्जामिनर पूछ सकता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स पी, वर्टेक्स पी से निकालते तो कैसे करते हैं? आप बताइए मैडम, आप बताइए। डिवाइड करते हैं यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर सा ड्रॉ होता, इससे इनका मिड पॉइंट निकलता, फिर इससे निकल के आ जाता। आपसे कहेगा निकालो थ्रू द वर्टेक्स क्यू निकालो, तो निकाल देंगे, हम तो वेले आदमी हैं, हमारा काम ही इसलिए तो आए हैं हम 11वीं क्लास में, ये इक्वेशन निकालने के लिए मीडियन की। निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे? हाँ जी कार्तिक जी, चलें आगे, समझ में आ गया? तो कितने तरीके से सवाल फ्रेम हो सकता है? कितने तरीके से सवाल फ्रेम कर सकते हैं हम लोग? यस, 3 तरीके से, एक थ्रू द वर्टेक्स पी, थ्रू द वर्टेक्स क्यू और थ्रू द वर्टेक्स आर। चलेंगे आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 9 को समझिए जरा और बताइए क्या करना है इसमें। अर्शिया पढ़ेंगे जरा आप एक बार, आप ही आसान सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, जरूर आता है एग्जाम में। कोई मुझे थोड़ा आइडिया दे दे, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालो जो उस लाइन से पास होकर जा रही है और उस लाइन के परपेंडिकुलर है। थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ, एक ऐसी लाइन है जो किससे पास होकर जा रही है, एक ऐसी लाइन की मुझे इक्वेशन निकालनी है जो किससे पास होकर जा रही है, -3,5, मतलब मान लो कोई लाइन जा रही है, ये -3 और 5 से पास होकर जा रही है, चलो, और ये लाइन किसके परपेंडिकुलर है, ये लाइन परपेंडिकुलर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, जो लाइन किससे होके जा रही है, ये 2 पॉइंट है इनसे होके जा रही है और इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है एक तरह से। मैंने उसमें डायग्राम बनाया, मैंने क्या क्या पॉइंट दे रखे हैं मुझे, दूसरे 2,5 और -3,6, लेकिन मुझे किस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ए बी लाइन की, ये कौन सी लाइन दे रखी है एक तरह से, मान लीजिए C,D, तो कैसे निकालूँ ए बी लाइन की इक्वेशन, कोई आइडिया देगा मुझे ज़रा? देखो ए बी लाइन पता लग गया, एक पॉइंट दे दिया मुझे, अगर मुझे ए बी लाइन की स्लोप पता लग जाए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है अगर आपको याद आ रहा हो तो, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला मालूम है किसी को? वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, हमें मालूम है कि हमारी लाइन इस पॉइंट से पास होकर जा रही है
और हमारी लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है। अगर मुझे इस लाइन की स्लोप पता लग जाए तो मैं इस लाइन की स्लोप निकाल सकता हूँ, अगर लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। आपको मालूम है दो लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है? -1 आता है। कितना आता है? अगर मैं आपसे कहूँ इसमें एक लाइन की स्लोप 6 है तो दूसरी लाइन की स्लोप कितनी आएगी बताओ? ये m2 इज इक्वल टू -1 है। अगर एक लाइन की स्लोप अगर 6 है तो दूसरी लाइन की स्लोप कितनी हो जाएगी बताइए? -1/6 नहीं हो जाएगी अर्शिया? क्यों? m2 इज इक्वल टू -1/6। तो मैं आपसे कहूं अगर एक लाइन की स्लोप अगर 7 है तो दूसरी लाइन की स्लोप कितनी होगी अगर वो परपेंडिकुलर है? तो -1/7। अगर किसी की लाइन की स्लोप 3/2 है तो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप कितनी होगी? -2 -3 होगी। किसी की अगर स्लोप आयुष है मान लीजिए तो उसकी स्लोप कितनी हो जाएगी? -1/ क्या हो जाएगी? आयुष हो जाएगी। भला उसकी परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। निकल के आ गई। और कल कोई पैरेलल होती तो स्लोप क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर। यानी कि मोटी मोटी मुद्दे की बात यह निकल के आई हमारे पास कि हमें क्या निकालना पड़ेगा। पहले भाई बी सी लाइन बी सी डी लाइन की क्या निकाल लो आप? स्लोप निकाल लो। स्लोप कितनी है सी डी लाइन की बताइए जरा। मैं ही निकाल लेता हूँ उसके नीचे यहाँ पे। ये तो मेरी इक्वेशन बन के आ जाएगी। स्लोप कितनी आएगी सी डी की बताइए जरा? स्लोप ऑफ सी डी कैसे निकलेगी? y2 - y1/ स्लोप निकालने का हमने फॉर्मूला लगाना है। ये कितनी है स्लोप आएगी इसकी बताओ जरा? बताओ जरा। 6 - 5 और कितना आ जाएगा? ये -3 - 2 तो 1/-5 आ गई। और आपको मालूम है जो ए बी लाइन है वो किसके परपेंडिकुलर है? सी डी। कोई बता सकता है स्लोप ऑफ ए बी कितनी हो जाएगी मेरे पास? वेरी गुड। स्लोप ऑफ ए बी मेरे पास कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। और 5 हो जाएगी यहाँ पुट कर देते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा? y- किससे पास होकर जा रहा है? इससे। तो y-5 = -5 नहीं, कितना आएगा? 5 और x+3, ये इक्वेशन आ जाएगी। अर्शिया समझ में आई बात आपको? हाँ बताओ बताओ। हाँ हाँ आवाज़ आ रही बेटा, आवाज़ क्लियर आ रही है। कुछ कहना चाहोगे बेटा इस क्वेश्चन के बारे में? आप एक बार दोबारा देख लें हम लोग कि हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी थी, हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी थी जो हमें मालूम था किस पॉइंट से होके जा रही है। वो लाइन किस पॉइंट से होके जा रही है? किस पॉइंट से होके जा रही है वो लाइन हमारी बेटा? अर्शिया देखो -3 और 5 से होके जा रही है। तो पॉइंट तो पता लग गया मुझे x1 y1। मुझे इस लाइन की स्लोप और चाहिए। स्लोप के लिए क्या कह रहा है? वो लाइन इस लाइन के क्या है? परपेंडिकुलर है। किस लाइन के परपेंडिकुलर है? जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करती है। चलिए जी, चलिए हम पांचों फॉर्मूलों को लगा के देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला, चलो इंटरसेप्ट फॉर्म तो लेके नहीं, यहाँ पे इंटरसेप्ट परपेंडिकुलर फॉर्म के लिए हमें परपेंडिकुलर नहीं दे रखा। स्लोप इंटरसेप्ट के लिए इंटरसेप्ट नहीं दे रखा वाई एक्सिस के ऊपर। टू पॉइंट फॉर्म के लिए दो पॉइंट नहीं दे रखे हमें। दो पॉइंट दे रखे तो वो तो इस लाइन के दे रखे ना दो पॉइंट बेटा। मुझे तो इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है ना इसकी। ये तो मुझे एक ही पॉइंट दे रखा है ना। 90 डिग्री पता है ना, 90 डिग्री पता हो उसी के कारण तो हमने स्लोप निकाल ली बेटे। इस लाइन की स्लोप निकाल ली मैंने क्योंकि मालूम है अगर इसकी स्लोप पता लग गई तो मैं इसकी स्लोप निकाल लूंगा क्योंकि ये लाइनें एक दूसरे के क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। तभी तो हमने वो रिलेशन किया था, दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है? -1 होता है। वो वाला रिलेशन ही तो यूज किया मैंने ताकि मैं स्लोप निकाल लूँ यहाँ। ठीक ठीक है यूनिट। हाँ तो हो जाएगा। चलिए आगे। मैं रवेट काशवी जी, मैं रब कर दूँ उसको। हाँ कॉपी कर लीजिए। हाँ वाई नोट सर, साइड तो होना पड़ रहा है मैडम जी आपको। अगर आपका इजाज़त हो तो हम आगे चलें सर। हर एक सवाल में जान मारनी पड़ती है। कार्तिक जी
कार्तिक जी क्लास में आते हैं और बीच में कई बार चले जाते हैं, कोई बात नहीं, टीचर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब मैं एक फॉर्मूला बताना चाहूंगा से, चलते हैं जरा, कॉपी कर लिया तुमने कृष्णा जी? कृष्णा जी हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, आपको मालूम है सेक्शन फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको? आप में से किसी को याद है? उसकी मुझे जरूरत पड़ेगी। अब सेक्शन फॉर्मूला कौन बताएगा तुम में से? सेक्शन फॉर्मूला याद कराया था मैंने आपको, बताइए। नहीं, एम वन एक्स टू पहली माँ का दूसरा बच्चा, दूसरी माँ का पहला बच्चा और दोनों माँओं को जोड़ दो। फिर क्या? पहली माँ का दूसरा बच्चा, दूसरी माँ का पहला बच्चा और दोनों माँओं को जोड़ दो। हो गया है फॉर्मूला याद, यही सेक्शन फॉर्मूला था। और कार्तिक शर्मा जी पहले यही बता रहे थे। कार्तिक जी आप सुन रहे हैं हमें? आपसे जब मिड पॉइंट फॉर्मूला पूछा गया और कृष्णा जी ने सही जवाब दिया तो आप ये जवाब देना चाह रहे थे। ये कौन सा फॉर्मूला है? सेक्शन फॉर्मूला। अच्छा मैडम ध्यान देना जरा, सवाल क्या पढ़ोगे जरा एक बार, दसवां सवाल पढ़ना क्या कह रहा है? हाँ जी आपसे कह रहा हूँ। मतलब क्या हुआ? करे एक लाइन है जो किसके परपेंडिकुलर है, वो इन दोनों लाइन को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों लाइन को ज्वाइन करने वाली लाइन के स्लोप निकाल लेंगे हम लोग टू पॉइंट से। उससे मुझे उस लाइन की स्लोप पता लग जाएगी जो उसके क्या है, परपेंडिकुलर है, और वो उसको किस रेशियो में डिवाइड करती है, यानी कि ये जो पॉइंट है उसको किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, वन रेशियो एन में। तो कह रहा है लाइन का इक्वेशन निकाल दो। मतलब वो क्या कह रहा है, एक लाइन है मेरे पास जो किसके परपेंडिकुलर है, वो लाइन किसके परपेंडिकुलर है, ये कोई लाइन होगी हमारे पास, मेरे पास एक लाइन है, ये मेरे पास लाइन है और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, और ये जो लाइन है किसको ज्वाइन करके बनती है बेटा, 2.5। ओ क्या क्या पॉइंट है दोबारा बताना बेटा, 1.0 और 2.3, यानी कि ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और ये जो पॉइंट है ये इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 1:n के रेशियो में डिवाइड करते हैं। हाँ मतलब मैंने वैसे लिख दिया, ये एक हिस्सा वन हुआ, मतलब वही 1:n के रेशियो में डिवाइड करते हैं। नहीं नहीं इस लाइन को डिवाइड कर रहे हैं ना, हमें तो इस लाइन की इक्वेशन चाहिए जो इन दोनों को ज्वाइन करने लाइन के परपेंडिकुलर लाइन है उसको डिवाइड करते हैं। देखें जरा, एक लाइन है परपेंडिकुलर टू द लाइन, परपेंडिकुलर किसके है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, और जो पॉइंट है इनको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:n में। तो मुझे अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता लग जाए, अगर मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता लग जाए, मान लीजिए ए बी लाइन है, ये सी डी लाइन है और ये ओ पॉइंट है, क्या मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ क्या? क्योंकि स्लोप, अगर स्लोप आ गई तो उसकी स्लोप तो निकाल ही लूंगा मैं, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। मेन झगड़ा किस बात का है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालूं मैं, वो मुझे मालूम है कि इन दोनों को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, 1:n की रेशियो में, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं आ देंगे मेरे पास, कैसे निकलेंगे? सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, कैसे लगेगा सेक्शन फॉर्मूला? ये पॉइंट दे दिया 1 और 0, ये एक्स वन है, ये वाई वन है, ये एक्स टू और ये क्या है, वाई टू है, ये एम वन है, सॉरी ये एम वन है और ये क्या है, एम टू है। हाँ सीडी लाइन का ही तो है, सीडी लाइन का ही तो है, सीडी लाइन का तो है सीडी। हाँ नहीं मुझे ए बी का नहीं चाहिए भाई, मुझे सीडी का ही चाहिए। ये पॉइंट वैसे भी कॉमन ही होगा दोनों के लिए। ये कह रहा है ये इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, 1:n की रेशियो में डिवाइड कर रही है। अच्छा आप, अच्छा आप ये कहना चाह रहे हो, समझ में आ रहा है, आप ये कह रहे हो ऐसे लिखो मैं इसको 1 और n, ऐसे जा रहे हो आप, ऐसे लिख लो। हाँ लिखो कि कॉमन ही पॉइंट है ना, तो ये तो इसको भी इंटरसेक्ट करके आ रहा है, इसको भी इंटरसेक्ट करके आ रहा है, तो हम निकालते हैं क्या, पहली बात तो इक्वेशन, पहले काम कर लूँ मैं, स्लोप निकाल लेता हूँ ए बी, क्या स्लोप बताना है ए बी की कितनी होगी,
ये स्लोप होती है मेरे पास, स्लोप कितनी आगे बताओ उसकी, 3 माइनस 0, 2 माइनस 1, 3/1 तो 3 आ गई, और ए बी किसके परपेंडिकुलर है, सी डी के, तो स्लोप ऑफ सी डी बता सकता है कोई बच्चा मुझे कितनी आएगी, अगर ये स्लोप 3 आई है तो -1/3 होगी। मैं आपसे सहमत हूँ सर, क्योंकि एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर है। कार्तिक शर्मा जी सही कह रहे हैं बच्चे, -1/3 आ गई। अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी, पॉइंट सी में ये सेक्शन फॉर्मूला निकाल के लगा रहा हूँ, ये 1,0 है, कैसे निकलेगी देखिए, M1, मैं एक एक डायग्राम से बना दूँ, यहाँ पर थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए, 1,0 और 2,3 हो, किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, 1:n में। अब फॉर्मूला लगाना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, फॉर्मूला ये लगाएंगे, क्या लगेगा बताओ ज़रा, M1 कितना है 1, X2 कितना है 2, ये n की फॉर्म में आंसर आएगा, प्लस M2 कितना है n, X1 कितना है 1 अपॉन 1+n, और ये कितना आएगा M1, Y2 कितना है मेरे पास, कौन बताएगा Y2 कितना है, वेरी गुड, थ्री आएगा, M2 कितना है एंड Y1 कितना है, Y1 कितना है 0, 1+n, तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया मेरे पास, सिंपलीफाई करूंगा तो 2+n अपॉन 1+n और 3 अपॉन, वेरी गुड, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब मैं इक्वेशन निकाल देता हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है,
आप हमें सुन पा रहे हैं बेटा? तो आप मैसेज कर देते बेटा, वो सेल खत्म हो गए थे, आप मैसेज कर देते हमें। क्वेश्चन नंबर 11 एक बार पढ़ पाएंगे बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट जरूर आएगा पेपर में आप। इसको पढ़ के कुछ याद आ रही है कि कौन सी फॉर्म लगनी चाहिए? अर्चिया आप हमेशा है। नहीं नहीं कुछ और था, कौन बताएगा? शायद कृष्णा पांडे बताएं, सॉरी कृष्णा गोयल बताएं, जब दो इंटरसेप्ट दे रखे होते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, पहुंच गए ना। एक ऐसी लाइन का इक्वेशन निकालो जो जिनके इंटरसेप्ट क्या दोनों इक्वल हैं, दोनों इंटरसेप्ट क्या हैं और किससे पास होकर जा रही है वो 2,3 से। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी इसके जैसे ही है। कह रहा है उस लाइन का इक्वेशन निकालो जो किस पॉइंट होकर जा रही है 2 और 2 से, और इसके इंटरसेप्ट का सम कितना दे रखा है आपको? 9 दे रखा है। यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या दे रखे थे? इक्वल। यहाँ सम कितना दे रखा है? 9। कभी सम देगा, कभी उनका डिफरेंस देगा, कभी उनका प्रोडक्ट देगा, अलग अलग तरीके से आपसे बात की जाएंगी। चलेंगे 2 और 3 से पास हो रहा है। मेरे पास क्या था? लेट कर लिया। लेट क्या कर लिया? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? एक्स अपॉन ए। पता लग गया ये क्यों लिया मैंने इक्वेशन अब बेटा अर्शिया? और ये जो लाइन है ये इसमें क्या दे रखा है आपको? दोनों इंटरसेप्ट इक्वल दे रखे हैं। इसका मतलब क्या दे रखा है? ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको? बी दिया हुआ है। क्या दे रखा है? ए इज इक्वल टू बी। और ये लाइन किससे पास होकर जा रही है? 2,3। 2, मैंने सुनिया किससे होकर जा रही है? 2,3। तो क्या लिखेंगे? 8 पासिस थ्रू। ये लाइन किससे पास होकर जा रही है? 2,3 से। तो जो जहां रहता है उसकी सेटिस्फेक्शन करता है। अगर ये लाइन अगर इस पॉइंट से होके जा रही है तो ये वाला पॉइंट इस लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा? सेटिस्फाई कराइए सेटिस्फाई। तो एक्स ये कितना पुट करेंगे? 2 अपॉन a + 3 अपॉन b = 1। और सवाल में आपको a = क्या दे रखा है? बी दे रखा है। अब यहाँ पुट कर लीजिए कितना आ जाएगा? 2 अपॉन a 3 अपॉन a = 1। ये कितना हो जाएगा? ए एल से हम लेंगे तो 2 अपॉन a 3 अपॉन a, तो 5 अपॉन a = 1। 5 = a, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। तो a अगर 5 आ गया, अगर a और b बराबर हैं, तो b भी कितना आ गया मेरे पास? 5 नहीं आ गया मेरे पास? जब मेरे पास a आ गया, जब मेरे पास b आ गया, तो और मुझे क्या चाहिए? यहाँ मेरी इक्वेशन आ जाएगी। क्या इक्वेशन आ जाएगी? तो इक्वेशन ऑफ लाइन, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन, आपसे इंटरनेट बच्चा तो पीछे बैठा है, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन 1, x/5 + वाई ओवर 25 साल पहले किया लेकिन आज भी इस बच्चे को याद है सब कुछ। देखिए ये इक्वेशन आ गई मेरे पास, x/5 + y/5 = 1। अर्चिया समझ में आया? आ गया जी मैडम को। चलिए सर आप तो इंटेलिजेंट बच्चे हो सर, आप रेंचो हो सर। हाँ क्योंकि इस सवाल में दे रखा था बेटा कि हमारे पास जो इंटरसेप्ट है वो देखिए क्या दे रखा है, कट ऑफ द इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इक्वल इंटरसेप्ट कट कट, इक्वल का मतलब क्या हो गया? मतलब ए और बी दोनों बराबर हैं, दो ही तो इंटरसेप्ट है मेरे पास, एक ए और दूसरा बी, बस ठीक है। हाँ वाई नॉट, वाई नॉट बेटा, ये लीजिए हैप्पी जर्नी सर। हैं क्या? हाँ बिल्कुल। इफ द टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय द ट्रांसवर्स द लाइन देन अल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ए एंड बी इन वन। ए और बी की वैल्यू ए वन में पुट करेंगे, मत लिखिए चाहे कोई बात नहीं, मालूम ही है आपको यहाँ वैल्यू पुट करनी है हमें। अगर हिंदी मैडम आज भी हमारा मजबूत है, हमने भी हिंदी में पढ़े हैं सब चीज़ें, इनको क्या मालूम क्या त्रिज्या? परिधि, परिधि लड़की का नाम पता होगा इनको, परिधि गुप्ता हमारे यहाँ बच्ची थी एक, आजकल तो नाम रखने लगे, रेडियस गुप्ता, रेडियस जैन, रेडियस जैन नाम पता है, सर्कल जैन।
बढ़ा दूंगा तो हालत खराब हो जाएगी मेरी। सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। चलिए ओके, या नॉट फ्रॉम द हिंदी मीनियम। अगला सवाल देखिए, सेम सवाल है, कह रहा है इक्वेशन निकालो उस लाइन की जो किससे पास होकर जा रही है, टू टू से, और उसका सम दे रखा है किसका, इंटरसेप्ट का कितना दे रखा है आपको, नाइन। यानी कि क्या हो गया, यस वेरी गुड, कितना अच्छा बच्चा है। देखिए हमारे यहाँ नया बच्चे ने ज्वाइन किया है अभी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इजिकल टू वन। अब क्या दे दिया उन्होंने, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दे दी हमें, नाइन दे दी यहाँ पे। तो यहाँ क्या, हाँ दूसरा क्वेश्चन है जो भी है इसका ऑर्डर कौन सा है ये। सर आप होशियार बच्चे हो सर, होशियार बच्चा रिमेन्स होशियार। क्या लिखेंगे अपना बेटा हम लोग, अब किससे पास होकर जा रहा है, किससे पास होकर जा रहा है ये, कॉमा टू, कितना आ जाएगा ये, टू अपॉन ए प्लस टू अपॉन बी इजिकल टू वन। पिछली बार मैंने बी को ए रखा था, लेकिन इस बार क्या रखूंगा, बी को मैं क्या पुट करूंगा, ऐसा कोई बता सकता है। वेरी गुड, कितना प्यारा बच्चा है ये, नाइन माइनस से क्या पुट करेंगे यहाँ, नाइन माइनस से तो कितना हो जाएगा, टू अपॉन ए, बस सर वही तो मुझे चाहिए, नाइन माइनस ए इजिकल टू वन। ये इसी में इनका हालत खराब हो जाएगी, अब एलसीएम नहीं लिया जाएगा इनसे, एलसीएम कितना आएगा, ए नाइन माइनस ए, ए से ए कट गया, टू नाइन माइनस ए, टू ब्रैकेट टू ए इजिकल टू वन, ब्रैकेट खोल लो, अठारह माइनस टू ए प्लस टू ए, नाइन ए माइनस ए स्क्वायर इजिकल टू वन, टू ए से टू ए कट गया, अठारह अपॉन नाइन ए माइनस ए स्क्वायर इजिकल टू वन, तो एटीन इजिकल टू नाइन ए माइनस ए स्क्वायर, इसको उधर ले आओ, ए स्क्वायर माइनस नाइन ए प्लस एटीन इजिकल टू जीरो। अब एटीन के फैक्टर करो कि नाइन आ जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, कितने फैक्टर हो जाएंगे, सिक्स थ्री जाए एटीन, ए स्क्वायर नहीं सीधे हो जाएंगे सिक्स, हाँ वो हाँ वो तो सरकारी फॉर्मूला है सर हमेशा के लिए, इजिकल टू जीरो हो गया, यहाँ से ए कॉमन निकाल लिया, ए माइनस सिक्स, यहाँ से थ्री कॉमन निकाल लिया, ए माइनस सिक्स इजिकल टू जीरो, ए माइनस सिक्स, ए माइनस थ्री इजिकल टू जीरो, या तो ए माइनस सिक्स जीरो है या ए माइनस थ्री जीरो है, तो यानी ए की वैल्यू या तो सिक्स है या ए की वैल्यू थ्री है, तो दोनों का सम नौ भी। अब देखो अगर ए सिक्स है तो बी कितना आएगा, इसके हिसाब से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तीन आ जाएगी, और अगर ए थ्री है तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, छः आ जाएगी हमारे पास। तो इक्वेशन एक नहीं साहब दो आएंगी, बोनस शेयर है हमारे लिए ये, यानी क्या आएगा, एक्स अपॉन ए को कितना लिया, एक्स अपॉन सिक्स प्लस वाई अपॉन थ्री इजिकल टू वन, या एक्स अपॉन थ्री प्लस वाई अपॉन सिक्स इजिकल टू वन। कैसी बातें करते हो आप सर, हम कौन है पढ़ाने वाले सर, आपका लेवल बहुत अच्छा है सर, आप हर सब्जेक्ट में अच्छे हो, आप यू आर ए बॉर्न आर्टिस्ट। मैं सर कोई माँ के पेट से थोड़ी सीख के आता है कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, अभिमन्यु तो कोई भी नहीं है सर यहाँ सर, आप कॉपी करिए सर, दिल छोटा मत करिए सर, आपके आफर में नहीं आ रहा तो कौन शर्मा जी, ऑनलाइन ऑनलाइन तबीयत ठीक नहीं है, उसको फीवर चल रहा है, उसकी मम्मा का मैसेज आया था, कुछ कुछ पल्ले पड़ रही हैं चीज़ें सर। कृष्णा जी बहुत ही बेहतरीन चैप्टर्स में, इसका एक भाई और भी है इनका है, इसी क्वेश्चन का तीसरा भाई है, वो मिसलियंस में जाके खो गया वो, तो मैं तो परिवार के सारे लोगों को साथ लेकर चलते हैं सर, मिसलियंस का एक सवाल आप करोगे, मैं नहीं करूंगा बेटा, वो सर लोहा मेरी तरफ से गर्म रहता है सर, इनकी तरफ से ठंडा रहता है लोहा। कॉपी कर लिया अर्शिया, पल्ले पड़ गया, वेरी गुड। इनका एक जुड़वा भाई, जुड़वा नहीं है ये, तीन बच्चों को क्या बोलते हैं बेटा इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट, हाँ ट्रिपलेट है सर ये है, देखो इंग्लिश मीडियम बच्चों को ये जानकारी जरूर रहती है। कहाँ गया तीसरा भाई इनका, ये मिल गया, ये देखिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है इक्वेशन निकालो उस लाइन की और कट ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस,
हाँ अब की बार सम भी दे दिया उन्होंने और प्रोडक्ट भी दे दिया उन्होंने। हाँ, वेरी गुड। इन्होंने कहा लाइन की इक्वेशन निकालो जिसके इंटरसेप्ट का दे रखा है। हमने लाइन की इक्वेशन क्या मान ली, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन। सवाल क्या कर रहा है, उनका हमें क्या दे दिया, सम दे दिया। सम का मतलब ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दे दी उन्होंने मुझे, वन, और प्रोडक्ट कितना दे दिया, ए बी इक्वल टू कितना दे, माइनस। यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है साहब, बस दोनों को सॉल्व करो, ए और बी की वैल्यू निकालो और यहाँ पुट कर दो। लेकिन सॉल्व करने में महाभारत हो जाएगी साहब, कैसे करें सॉल्व, कभी हमने ऐसा किया ही नहीं। अरे क्यों नहीं करा आपने, ए प्लस बी और ए माइनस बी की इक्वेशन तो सॉल्व करी है बचपन में, वो यहाँ है, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे बताओ जरा, वन माइनस ए नहीं आ गई, बी की वैल्यू यहाँ पुट करो, ए वन माइनस ए इज इक्वल टू माइनस सिक्स, ये कितना आएगा, ए माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सिक्स। अब वहाँ चल लेते हैं हम लोग, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, सिक्स के फैक्टर करोगे वन आ जाए, कितने आ जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस टू ए माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। ए कॉमन ले लिया, ए माइनस थ्री, टू कॉमन ले लिया, ए माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ए माइनस थ्री फिर कॉमन आ गया और ए प्लस टू इज इक्वल टू जीरो आ गया। या तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, थ्री आ गई, या ए की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस टू आ गई। अब ए दो आ गए तो बी भी कितने आएंगे, दो आएंगे, कैसे, अगर ए जब थ्री है तो बी कितना आएगा और जब ए माइनस टू है तो बी कितना आएगा, क्योंकि हमें मालूम है इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, माइनस सिक्स आ रहा है। किसी भी इक्वेशन में डाल देते हैं, पहली वाली में डाल लो, चाहे ए प्लस बी, हाँ हाँ थोड़ा धीरे कर देते हैं, हाँ 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 मैंने कुछ नहीं करा था, मैंने तो इक्वेशन सॉल्व करी है मेरे भाई। हाँ तो ए अगर तीन है तो बी कितना आएगा बताओ, उधर जाके माइनस टू हो जाएगा, और अगर ए माइनस टू है तो कितना आ जाएगा, बी बी थ्री है आर्थिक, काश भी ऑनलाइन है सर, एब्सेंट हो जाते सर, और ये सब पुराने जमाने वाले में आपके पड़ोसी के बच्चे होते रहे वहाँ पे, और क्या हो रहा है, आपका पड़ोसी जो है मिस्टर एच, मिस्टर एच, हाँ हाँ चल रहा है।